ओके स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बाइनरी मल्टीप्लिकेशन जो होता है, हमने अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन देखा था, राइट? उस अनसाइंड मल्टीप्लिकेशन को अच्छे से सॉल्व तो कर पा रहे थे, उसका सर्किट भी बनाने की कोशिश कर रहे थे, और हमने फ्लो चार्ट भी देखा था, और हमने उसका कैसे काम हो रहा है उसका अप्रोच भी हमने देखी, स्टेप बाय स्टेप हमने कोशिश करी समझने की, शिफ्ट करते जा रहे थे और ऐड करते जा रहे थे। बस उसी तरीके से आज हम ये काम करेंगे साइंड मल्टीप्लीकेशन के लिए, क्योंकि जब हमारे पास नंबर में साइन होगा नेगेटिव या पॉजिटिव, तो हमें इस एल्गोरिथम जो नॉर्मल जो प्रोसीजर है हमारा मल्टीप्लीकेशन का, उसको थोड़े अलग तरीके से करना पड़ेगा। और यही कंसेप्ट मिस्टर बूथ लेकर आते हैं। मैं बताऊंगा बूथ कौन है, क्या है, जिसकी इतनी बात चल रही है। आई थिंक आज तक किसी भी यूट्यूब वीडियो में अगर आप देखें, कहीं भी देखें, किसी ने बूथ के बारे में नहीं बताया है। तो इस प्रेजेंटेशन में आपको मैं बूथ के बारे में बताऊंगा, कौन था, क्या था, और क्यों बेचारा हम लोगों का सिलेबस बढ़ाने के लिए आ गया वो, राइट? ओके, तो अब आज हम बात करेंगे कि हमें अलग एल्गोरिथम की क्यों जरूरत पड़ रही है बाइनरी साइन मल्टीप्लीकेशन के लिए, और ऐसी क्या कमियां थी हमारे पिछले लेक्चर के, अगर हमने देख बात की जाए उस समय के उस अप्रोच की, कि भाई उसमें क्या ऐसी कमियां थी जो हमें बूथ मल्टीप्लीकेशन में सॉल्व होती हुई दिखाई देंगी, और एल्गोरिथम कहती क्या है, ठीक है, ये एल्गोरिथम है क्या और क्या कहती है, और इसको किसने बनाया, इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है? सबसे बड़ी बात करते हैं, हु इज बूथ? ये आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आया होगा, या आपके सीनियर्स के दिमाग में क्वेश्चन पक्का आया होगा, अपने सीनियर से पूछ लेना कि बूथ एल्गोरिथम पढ़ी तो थी, बूथ के बारे में पता नहीं है क्या, कोई भूत होगा, राइट? ऐसा नहीं है एक्चुअल में, अगर आप ये देखें फोटो ध्यान दे, राइट? इस एल्गोरिथम को इन्वेंट किया एंड्रयू डोनाल्ड बूथ 1951। वो क्रिस्टलोग्राफी एक रिसर्च होती है, उसके ऊपर अपना काम कर रहे थे। क्रिस्टलोग्राफी क्या होती है आपकी, कि आपके क्रिस्टल्स के द्वारा, क्रिस्टल्स हमारे जैसे कई अपने एलिमेंट्स उसके क्रिस्टल्स बनते हैं, उसके द्वारा लाइट को ट्रांसमिट करने की जो टेक्निक होती है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलोग्राफी। क्या हम लाइट को ट्रांसमिट कर सकते हैं या इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं? तो लंदन में इसकी रिसर्च करते हुए दौरान इस एल्गोरिथम को इन्होंने डेवलप किया, इन्वेंट किया, और 1951 में ये काम कारनामा किया उन्होंने, जिसको आज हम 2020 में पढ़ रहे हैं, राइट? मोर देन आप लगा लीजिए इसके 70 ईयर्स हो चुके हैं, 70 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे, 2021 में 70 साल हो जाएंगे, राइट? तो 70 ईयर्स बाद हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है? इसका सोर्स मैंने नीचे दे दिया है, history.computer.org, जो ये मैंने इमेज ली है वहीं से ली है मैंने। ओके बेटा, कभी भी ध्यान रखना, आगे अगर कभी भी प्रेजेंटेशन बनाओ तो आप अगर कोई भी इमेज ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, उसका सोर्स हमेशा देना चाहिए, उसी स्लाइड में नीचे छोटा सा दे दो जैसे मैंने लिया हुआ है। इससे बात ये सिद्ध हो जाएगी कि आप उन वेबसाइट से, उन लोगों को एक्नॉलेज करो जिन्होंने बड़ी मेहनत से फोटो और ये लेकर आए आपके लिए। जैसे कि मैं आप लोगों की बात करूँ, आप लोग कोई मेहनत करते हो, और अगर मैं आप ही के काम का इस्तेमाल करूँ लेकिन आपको मैं श्रेय ना दूँ इसका, आपको मैं आपकी तारीफ ना करूँ या आपके बारे में लिखूँ ही नहीं कि यह किसने दिया है, तो ये काम चोरी करना हो जाएगा, है ना? तो हमने जिसने मेहनत की हमारे लिए, हम उसका तो शुक्रिया अदा करें, तो इससे शुक्रिया अदा के लिए हम इसको सोर्स में दे देते हैं या साइटेशन देते हैं, इसको हम साइटेशन कहते हैं करना, ठीक है? समझ में आ रहा है? आप तो नहीं भूल जाओगे एंड्रयू डोनाल्ड बूथ नाम का बंदा था, कोई भी पूछेगा आपसे वाइवा में क्वेश्चन, कोई भी पूछेगा आप एकदम से बता दोगे, इसको लिख लो बेटा अपने पास, और सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लिखोगे नहीं, साथ साथ नोट्स बनाते रहो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आपके भी सीटी स्टार्ट हो जाएंगे 2021 से, ठीक है? तो हम कोशिश करेंगे इसको जल्द से जल्द खत्म करने की, सेकेंड यूनिट को खत्म करने की, ठीक है? जितना मैक्सिमम पोर्शन में कवर कर पाऊँ कर पाऊँ, ठीक है, राइट? आगे बढ़े, कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे बोल देना आप, ओके? चलो, सबको दिख रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, मेरी आवाज क्लियर आ रही है, कोई लैग तो नहीं हो यस सर, रहा, यस सर, बढ़े आगे। अच्छा, जहां तक मैंने अभी आपसे बात की थी कि हमें अलग एल्गोरिथम की क्या जरूरत पड़ गई, कि एक थी तो सी सिंपल सी, तो इसकी बूथ भाई साहब को जरूरत क्या पड़ गई?
इनको जरूरत ये पड़ गई कि जो हमारे जो प्रीवियस मेथड से वो नेगेटिव नंबर्स मल्टीप्लाई करने में नाकाम थे, उनसे आप नंबर्स जो नेगेटिव हैं जैसे -13 × 11 या -5 × +2 या -5 × -2 आप ये नहीं कर सकते। उन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके आप सर्किट नहीं बना सकते, कंप्यूटर को नहीं बता सकते, कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा। वैसे कंप्यूटर डम मशीन है, सारे चीज़ों के लिए तो वो ह्यूमन में डिपेंडेंट है कि ह्यूमन आगे बताए तो मैं काम करूँ, राइट। कंप्यूटर अपने आप नहीं कर पाएगा उस चीज़ को। तो पहला सोल्यूशन तो ये होता है कि भाई आप उन नंबर्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करें और पिछली बार की तरह उसको मल्टीप्लाई करें, और अगर साइंस डिफरेंट है तो आंसर को निगेट कर दें। एक तरीका तो ये है जो कि काफ़ी लंबा है। अगर हमारा बड़ा नंबर है, पहला कवायद ये करो कि उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करो टू उस कॉम्प्लीमेंट लेकर, ठीक है। मतलब -13 का मुझे +13 करना है तो पहले वो लूम है, राइट। तो उसके बाद आंसर को डिफरेंट मतलब निगेट कर दो, नेगेटिव में शो कर दो, तो ये चीज़ थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक है। अगर मुझे 11 × -11 × 11 करना है तो उस -11 को पहले मुझे 11 × 11 करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे जो 121 है उसको -121 शो करना पड़ेगा बाइनरी के अंदर, निगेट करना पड़ेगा, निगेट मतलब कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसको बदलना पड़ेगा, टूज कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। पहला सोल्यूशन तो ये है जो काफ़ी कवायद भरा है, बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होगा इसके अंदर, और बहुत ज़्यादा आपके अगर सर्किट में इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी। दूसरा तरीका है कि सिंपल सा, ये भूत भाई साहब ने जो अपना एल्गोरिथम दिया है जो हमारा काम बहुत ही आसान तरीके से कर देता है, राइट। सो बोथ के मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम की अगर मैं बात करूं तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव, इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि दो साइंड बाइनरी नंबर्स टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में उनके मल्टीप्लिकेशन को अलाउ करता है। सबसे अगर पूछा जाए एग्जाम में What is the objective of Booth's multiplication algorithm? Write it down. To allow the multiplication of two signed binary numbers in two's complement form. Clear? इस लेक्चर, आज के लेक्चर को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, एक अभी का मॉर्निंग सेशन और दोपहर का सेशन 12:50 पे। तो मेक श्योर 12:50 पे सभी आ जाना लंच करके, मैं 5 मिनट सबके लिए वेट करूंगा, मैं 5-10 मिनट में वेट कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं बेटा। आई नो लंच करके आप लोग आएंगे तो टाइम लगता आने में, बट प्लीज मेरी आपसे दरखास्त है, आप लोग मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ रहें और समझने की कोशिश करें इस चीज़ को। अगर नहीं समझोगे बेटा एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये आना ही आना है, चाहे आप अभी की बात करें या बाद की बात करें, हर जगह आएगा ये। तो अगर आज आपने कंसेप्ट इसको नहीं समझा, नहीं पढ़ा साथ साथ ही, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसका एडवांटेज, सिंगल एडवांटेज है, ये साइंड मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है, उसको बढ़ावा देता है, उसको उसका काम आसान करता है। कैसे करता है देखते हैं। तो बूथ की जो एनालिसिस थी उसने इस बात पर निष्कर्ष निकाला, उसके एनालिसिस से वो निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो हमारा एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है वो एड और सबट्रैक्ट कर सकता है नंबर्स को, ठीक है, और एड और सबट्रैक्ट करके सेम रिजल्ट को एक से ज्यादा तरीकों में ला सकता है। जैसे 3 + 4 = 7 हो सकता है और 8 - 1 = 7 हो सकता है, आंसर सेम आ रहा है, रिजल्ट सेम आ रहा है, बट तरीके अलग है। और उस समय तक शिफ्टिंग फास्टर थी देन एडिशन। उस समय 1951 के दौरान जो सर्किट थे हमारे पास या जो मशीन थी हमारे पास, उसमें शिफ्टिंग आसान थी, शिफ्ट करना बाइनरी नंबर्स को, शिफ्ट करना लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट करना बेहद ही आसान था, एडिशन से भी ज़्यादा आसान था। तो नंबर ऑफ एडिशंस को रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी था जिससे हमारे परफॉर्मेंस बढ़ सके, ठीक है। शिफ्टिंग फास्ट थी, एडिशंस को अगर कम से कम किया जाए तो मेरे जल्दी आंसर आ जाएगा, कंप्यूटर जल्दी इसको सॉल्व कर पाएगा, नहीं तो उसी में समय खर्च हो जाएगा। और पॉसिबल अरिथमेटिक एक्शंस कैसे हो सकते हैं, पॉइंट्स तो रिमेंबर है, ये ध्यान रखना मैं बता रहा हूँ, आप इसको नोट पे कर लीजिए। 0-0 पे कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं होगा, 0-1 ऐड मल्टीप्लिकेंट टू लेफ्ट ऑफ प्रोडक्ट, 1-0
सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेंट फ्रॉम लेफ्ट हाफ ऑफ प्रोडक्ट और वन वन पे कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन नहीं होगा। ये चार चीजें आप ध्यान रख लीजिए, ये दो बाइनरी नंबर्स के द्वारा हम इसको कोशिश करते हैं करने की। कैसे देखते हो? अच्छा, अब इस चीज को, ये हमारे पास एक टेबल है ए क्यू और क्यू माइनस वन है क्या, एम क्या है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। राइट, तो सबसे पहले मैं आगे बढ़ता हूं, मैं इसके अंदर ये मैं आपको समझाता हूं, पहले हम इस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, हमारे पास सिंपल सा एक इसको मैं और अच्छे से आपको समझाता हूं। इसको हम कह सकते हैं एसी रजिस्टर भी कह सकते हैं इसको हम। लेट मी टेल यू, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके जो मल्टीप्लिकेशन के अंदर शिफ्टिंग भी हो रही है, ठीक है, और क्या हो रहा है, एडिशन भी हो रहा है। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन एक ही चीज है ना। यहाँ पर m का अगर मैं माइनस m लूँ और इसको प्लस करूँ a के साथ, a प्लस ऑफ माइनस m, तो a माइनस m हो जाता है। राइट, वही चीज है यहाँ पर। ओके, अब बढ़ते हैं मैं अपने इसके ऊपर। ठीक है, आप लोगों को दिख जाएगा। अब मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कि बाइनरी मल्टीप्लिकेशन यार बोथ एल्गोरिथम चीज है क्या भला। राइट, तो सबसे पहले यहां पर एक और बात ध्यान देने वाली ये है कि इसके अंदर हमारे पास जो राइट जो शिफ्ट ऑपरेशन हो रहा है, सर लिखा हुआ शो नहीं हो रहा। अरे अभी लिख कर रहा हूं मैं बेटा, I'm not writing anything right now. Okay. सबसे पहले महत्वपूर्ण बात हमारी बोथ एल्गोरिथम में है, पहली बात यहाँ पर यह आती है कि इसमें होता है अरिथमेटिक शिफ्ट राइट ऑपरेशन। देखिए, शिफ्ट ऑपरेशन क्या होते हैं आपके, शिफ्ट ऑपरेशन तीन प्रकार के होते हैं। पहला लॉजिकल शिफ्ट, ठीक है, दूसरा सर्कुलर शिफ्ट, ठीक है, तीसरा अरिथमेटिक शिफ्ट। लॉजिकल शिफ्ट आपका सिंपल है, अगर लेफ्ट शिफ्ट की बात करूं तो अगर कोई नंबर सपोज करे ये है 1000, इसको मुझे लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है, सॉरी लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है, राइट टू लेफ्ट करना है, तो कैसे करूंगा मैं इसको, एक एक शिफ्ट होता जाएगा आगे, मतलब ये जीरो इधर आ गया, एक मिनट में इसको अच्छे से और लिखता हूं। आप देखते हैं, मैं यहां पे बना के देखता हूं। राइट, अगर मैं इसको शिफ्ट करता तो ये एक एक लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, ये जगह खाली होती जाएगी, ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्ट के दौरान हमारे पास सिर्फ लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, यहां पे कोई एलिमेंट ऐड नहीं होता कई बार, और करता भी होता है तो हम देखते हैं या तो जीरो ऐड करके देखते हैं या वन ऐड करके देखते हैं, और कुछ नहीं करता। दिस इज लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट। ऐसे लॉजिकल राइट शिफ्ट जो होता है आपका, वो भी कुछ इस तरीके से हो गया, जैसे आपका ये है तो राइट की तरह शिफ्ट करते जाइए, ये बाहर चल जाएगा और यहां पर आ जाएगा जीरो, ठीक है। तो मैं अभी आपको सिर्फ शिफ्ट राइट ऑपरेशन की बात बता रहा हूँ, लेफ्ट शिफ्ट को हम बाद में कवर करेंगे, आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर अच्छे से डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर मैं लॉजिकल शिफ्ट की पहले आपको बताऊँ, ये लॉजिकल शिफ्ट आपको बताना चाह रहा हूँ, और दूसरा आपको अरिथमेटिक शिफ्ट बता दे रहा हूँ, वो भी इसका राइट ऑपरेशन। तो लॉजिकल शिफ्ट राइट के अंदर क्या होता है, दिस इज लॉजिकल शिफ्ट राइट LSR, ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में LSR लिख रहा हूँ। लॉजिकल शिफ्ट राइट में आपका शिफ्टिंग तो होती जाएगी, ठीक है, ये एलिमेंट आपका बाहर चल जाएगा और
जो एलिमेंट यहाँ जो जगह खाली बची, चार जगह है ना हमारे पास, चार पोजीशंस है, तो चार पोजीशन में हमारे पास ये शिफ्ट होता गया, राइट की तरफ शिफ्ट होता गया, और जो ये पोजीशन हमारे खाली बच गई थी इसकी जगह हमने क्या रख दिया, जीरो। लेकिन अरिथमेटिक शिफ्ट राइट एएसआर के केस में यहाँ पर क्या होगा, ये टेक्निक है, बहुत जल्दी अगर समझना है तो बहुत बढ़िया टेक्निक बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। अगेन चार जगह हमारे पास है, सो ये चीज बाहर, इसको इधर दिख रहा है, ठीक है, शिफ्ट हो गया राइट की तरफ। अब यहां पे ध्यान दो, ये जो पहली जगह है MSB, इसकी जगह क्या आएगा अरिथमेटिक शिफ्ट राइट में। LSR में क्या आ रहा था, हम जीरो लगा रहे थे, ठीक है, लेकिन यहां पर क्या आएगा, जो MSB ओरिजिनल नंबर की है वही एज इट इज कॉपी हो जाएगी, चाहे वो जीरो हो या वन हो। जीरो होता तो जीरो आ जाता, वन है तो वन आ गया। दिस इज द रिजल्ट ऑफ एरिथमेटिक शिफ्ट राइट। अगर एक एक शिफ्ट ऑपरेशन किया गया, सिंगल 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 बिट को खिसकाया गया, एक सिंगल सिंगल, अब जैसे कहते हैं करते नहीं है कि भाई एक लाइन में होते हैं कि भाई आगे खिसक आगे खिसक आगे सर को, है ना, क्यू की तरह समझो आप, राइट। तो जो खाली जगह बचती है लास्ट में, वहां पर जो लास्ट जो ये बेटा है यहाँ पर, ये MSB वाले जो बेटा है, ये एज इट इज हमारी कॉपी हो जाती है इसके अंदर। क्लियर, कोई दिक्कत? LSR में MSB पे क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था, लेकिन ASR में जो MSB ओरिजिनल नंबर की थी हमारे पास गिवन, वो ही एग्जैक्टली हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। ये जैसे कोई नंबर है, कितने डिजिट्स का है देख लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चलिए 8 बिट नंबर है हमारे पास, ठीक है, और उतने 8 खाने हमारे पास, समझ आ रहा है? राइट शिफ्ट करते जाइए, ये बाहर चल जाएगा खत्म, ये इधर आएगा, वन 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 सॉरी जीरो और जीरो। देखिए इसको राइट की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है, और यहां पर अब ये जो खाली जगह बची मेरी, यहां पर क्या आएगा, जो इसका MSB है ओरिजिनल, ठीक है, वो एज इट इज कॉपी हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द रिजल्ट ऑफ, दिस इज द रिजल्ट किसका, एरिथमेटिक शिफ्ट राइट, ठीक है। क्लियर बात समझ में आई, कोई दिक्कत अभी तक? सर ओके नेक्स्ट पेज पढ़ता हूं मैं। आप देखते हैं हमारा बाइनरी मल्टीप्लीकेशन यूजिंग बूथ एल्गो कैसे होती, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करेंगे हम अभी। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दें, यहां पर हमारे पास इसमें एक रजिस्टर, जैसे मैंने आपको पिछले इसमें बताया था कि एक कैरी के लिए एक रजिस्टर होता है, कैरी स्टोर करने के लिए रजिस्टर कहोगे, मतलब 1 बिट स्टोर कर रहा है, कैरी इज व्हाट, 1 बिट। वन बिट स्टोर करने के लिए, ठीक है, दिस इज व्हाट कैरी, और एक ए रजिस्टर होता है, ठीक है, जिसमें रिजल्ट आता है आंसर, इसको आप आंसर कह सकते हैं, ठीक है। ये दोनों रजिस्टर एक साथ काम करते हैं, इसको हम कहते हैं ए सी, आंसर विद कैरी। क्या हो गया ये हमारा, आंसर विद कैरी,
क्यों कैरी क्यों आ रहा है? एडिशन हो रहा है ना बच्चों, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो कैरी जनरेट होगी होगी, कैरी या बोरो बात एक ही है। ओके, तो अब इस एल्गोरिथम की हम फ्लो चार्ट को देखते हैं। कैसे? सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट, ओके ध्यान से देखो बच्चों ध्यान से। पहला ऑपरेशन स्टार्ट होते ये जो हमारा एसी रजिस्टर है ठीक है, ये इसको इनिशियलाइज कर देंगे जीरो से, खाली पड़ा है ठीक है। और दूसरा रजिस्टर हमारे पास होता है क्यू, मैंने आपको बताया था क्यू और एम दो चीजें होती है ना। तो अगर मुझे 7 into 3 करना है तो दिस इज माई एम एंड दिस इज माई क्यू, मतलब ये हो गया हमका मल्टीप्लिकेंड, मल्टीप्लिकेंड हो गया, और ये क्या हो गया आपका मल्टीप्लायर ठीक है। तो मल्टीप्लायर का एकदम एलएसबी ठीक है, मल्टीप्लायर का एलएसबी मतलब अगर आप 4 बिट का है तो उसका लास्ट का जो होगा वो दैट इज विल बी Q0 Q0, Q0 या Q0 कुछ भी कहिए। और एक हम एक फ्लिप फ्लॉप लेते हैं, फ्लिप फ्लॉप मतलब एक बिट स्टोर करने वाला, उसको हम उसको नाम देते हैं Q-1, इसका भी काम आएगा ध्यान रखना। तो यहाँ पे AC मेरा 0 है और Q-1 जो हमने फ्लिप फ्लॉप दे रखा है उसको भी हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। M हमारे पास क्या है, क्या आएगा बेटा M, मल्टीप्लिकेंड या मल्टीप्लायर? मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेट मतलब जिसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है ठीक है, मतलब 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो 7 क्या हो गया हमारे पास मल्टीप्लिकेंट और 3 क्या हो गया मल्टीप्लायर, और क्यू में क्या आ गया हमारे पास मल्टीप्लायर। और हमारे पास एक काउंट नाम का वेरिएबल है उसको हम एन से इनिशियलाइज कर देंगे, एन हो गया आपका नंबर ऑफ बिट्स। या फिर रजिस्टर का साइज, ये गिवन होगा बेटा क्वेश्चन पेपर में, अगर नहीं गिवन है तो आपको बाय डिफॉल्ट क्या मानना है इसको 4, अगर इफ नॉट गिवन, अगर गिवन है तो अच्छी बात है, इफ नॉट गिवन ठीक है। तो काउंट एन हो गया हमारे पास बेटा, साथ साथ बनाते रहो, देखो आप लोगों के लिए साथ साथ बना रहा हूं मैं, अब डिसीजन होगा कि मेरा क्यू नॉट और साथ ही में ये डॉट मतलब एंड नहीं हो रहा, ये दोनों साथ में क्यू नॉट और Q-1, हमारे 3 4 वैल्यूज आ सकती है, या तो क्यू नॉट Q-1 हमारे पास, या तो 0 0 होगा 0 1 1 0 वन वन ठीक है। क्लियर? ओके, अब अगर हमारे पास ये वैल्यू 0 1 है, अगर 0 1 है तो क्या होगा, क्या करेंगे हम एसी के अंदर एसी प्लस एम, मल्टीप्लिकेंड को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, एसी ओरिजिनल कितना 0 और एसी में ही ऐड हो जाएगा आंसर विद कैरी राइट। और अगर मेरा ये 1 0 होता है, या 0 1 है या 1 0, अगर 1 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, एसी इज इक्वल्स टू एसी माइनस एम ठीक है। और अगर ये वैल्यूज दोनों वैल्यूज मेरी अगर कॉम्बिनेशन में 0 0 हुई या 1 1 हुई, दोनों केसेस में क्या होगा,
arithmetic, shift, right, kiska, AC, Q not, Q pura aur Q minus 1 aur count kya hoga hamara paas, decrement ho jayega. ध्यान से देखो बच्चों, अगर 10 था AC माइनस M, उसके बाद भी ये होगा. अगर 01 है AC में ऐड किया M को और AC में सेव किया, उसके बाद भी ASR होना ही है. अगर मेरा 011 तो डायरेक्ट जाके क्या होगा, शिफ्ट राइट होगा AC Q और Q माइनस 1 के तीनों को, ठीक है, और काउंट इक्वल्स टू काउंट माइनस 1 डिक्रीज होता जाएगा. फिर चेक किया जाएगा हमारे पास, मैं ये हटा दूं, फिर चेक किया जाएगा क्या मेरा काउंट जीरो के बराबर हुआ. अगर काउंट का कम करते करते, ठीक है, जीरो के बराबर हो गया, अगर हाँ है तो क्या कर दो, एंड, ठीक है, और अगर नहीं हो पाया किसी कारणवश, यह लूप चलता रहा, इट्स अ लूप, है ना, तो अगर नहीं हुआ तो ये यहां पर वापस आ जाएगा और ये दोबारा प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि मेरा अकाउंट जीरो नहीं हो जाता. ठीक है, समझ में आ रही बेटा बात, ये फ्लो चार्ट समझ में आया बच्चों? यस सर. यस सर. ओके, फ्लो चार्ट अगर समझ में आया तो एक फटाफट एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखें, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं. मैं नेक्स्ट पेज पे बढ़ता हूँ, ठीक है, ये मैं आपको बेटा ऐसा पीडीएफ बना के दे दूंगा. अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है, मल्टीप्लाई 7, वो भी प्लस 7 एंड प्लस 3 यूजिंग बोथ मल्टीप्लीकेशन एल्गोरिथम. ठीक है, ओके, और क्या गिवन है हमें, गिवन क्या क्या है हमारे पास, अब इसके लिए मैं बता रहा हूं, मैं रजिस्टर साइज गिवन है हमारे पास, विच इज 4. एम गिवन है, मल्टीप्लिकेंट कितना है, प्लस 7, क्योंकि 4 बिट्स का है, 4 बिट्स, ठीक है, तो दिस इज एन, और एन टाइम्स चलेगा, मतलब 4 साइकिल तक ही चलेगा, ठीक है, दिस इज व्हाट, प्लस 7 किस में है, ये डेसिमल नोटेशन में है, इसका हमारा बाइनरी में कन्वर्ट करो तो क्या आएगा, ठीक है, बाइनरी कन्वर्ट करके बाइनरी फॉर्म में क्या 0111 आ गया. ऐसे ही मैंने निकाला Q क्या है, प्लस 3, क्या आ जाएगा हमारे पास, 0011, क्लियर. और M के साथ साथ हमें क्या निकालना है, माइनस M भी निकाल कर रख लेना है, क्यों, अगर आप पिछले उसमें याद करो, ये देखिए AC is AC minus M, मतलब AC is equal to AC minus M, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, AC is AC plus of minus M, क्लियर है ना, तो मुझे minus M निकालना पड़ेगा ना, निकाल कर रख देता हूँ पहले में, minus M क्या हो गया, minus 7 कैसे निकलेगा, इसका क्या लेंगे हम, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट किया, क्या सर स्क्रीन शो नहीं हो रही है आपकी, बेटा स्क्रीन मेरी शो हो रही है, आपकी तरफ से नेट की दिक्कत है बेटा, सबको शो हो रही है, यस सर, यस सर, ओके बेटा नेट की प्रॉब्लम होगी आपकी तरफ, इसलिए शायद शो नहीं हो पा रही है, आई एम सॉरी फॉर दैट. चलो
1000 हो गया, ठीक है 1000 वंस कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद क्या किया गया, इसमें वन ऐड किया गया, क्योंकि करने के लिए क्या निकालने के लिए, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, तो वन ऐड हो गया और यही चीज हमारे पास आ जाएगी। ओके दिस इज माय -7 रिप्रेजेंटेशन, क्या हुई -7 की इस फॉर्म में हुई, टूज कॉम्प्लीमेंट हुआ, 7 का टूज कॉम्प्लीमेंट लिया। अब बात समझ में आ रही है बेटा, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके अब हमें क्या करना है, टेबल बनानी है, जैसे टेबल मैंने अभी आपको शो कर रखी है यहाँ पर। इस तरीके से, ठीक है, हम इस तरह के टेबल बनाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कैसे काम हो रहा है। एसी क्यू -1 और ऑपरेशन, ठीक है, तो हमें पहले ये बना के रख लेना है, ठीक है। अब देखते हैं कमाल, पहली साइकिल फर्स्ट साइकिल, ठीक है, हमारे पास n इक्वल टू 4 है, मतलब n इक्वल टू हमारे पास 4 है, मतलब 4 बार चलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट साइकिल क्या हुई हमारे पास, पहली साइकिल में पहले उसमें क्या काम होगा, एसी क्या है हमारा शुरुआत में गिवन क्या है, देखो ध्यान से, एसी क्या है शुरुआत में, 0 है ना। हम एसी रजिस्टर को 4 बिट में ले रहे हैं, ठीक है, हम एसी इकट्ठे रजिस्टर को हम किस में ले रहे हैं, 4 बिट्स में ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 4 बिट्स गिवन है, ठीक है। ज्यादा हमें कॉम्प्लिकेट नहीं करना, सिंपल तरीके से रखना है। एसी हमारे पे कितने बिट्स का है, 4 बिट्स का। क्यू क्या है गिवन है हमको, कितना है, 0011। ओके और क्यू -1 इनिशियली क्या किससे है, 0 से। ओके कितना टाइम हो रहा है बेटा, 9:39, बस फटाफट इसको करके हम फिनिश करते हैं, ठीक है। कितना हो गया क्यू -1, कितना हो गया, 0 इनिशियली। तो इसके बाद क्या होगा हमारे पास, अब क्या देखा जाएगा हमारे पास, दिस इज व्हाट क्यू 0 क्या हो गया हमारे पास, दिस इज व्हाट क्यू 0 LSB है ना। तो क्यू 0 कितना है, 1, क्यू -1 कितना है, 1 0। तो 1 0 होगा तो क्या होगा, 1 0 हुआ तो क्या होगा, एसी में एसी -m होगा और सेव हो जाएगा, है ना। एसी इक्वल्स टू एसी -m, ये चीज होगी। सो इसकी वजह से क्या हुआ, एसी इक्वल्स टू एसी प्लस ऑफ -m, ये लिख सकता हूं मैं। एसी कितना गिवन है हमारे पास, 4 जीरोस, और -m कितना गिवन है, 1001। इनको ऐड कर देंगे क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली ये आ जाएगा। एसी में क्या बन जाएगा मेरे पास, अब 1001 हो गया। अब क्या करना है, एज इट इज क्यू को भी एज इट इज लिख दिया हमने और हमने इसको 0 कर दिया। अब क्या होगा, इसके बाद क्या होना है, एथमेटिक शिफ्ट राइट करो, एसी क्यू और क्यू -1 कंप्लीट। अब क्या होगा हमारे पास, एथमेटिक शिफ्ट राइट करो, ये बाहर चल जाएगा, ये इधर 1 आ रहा है, ये 1 0 0, फिर ये 1, ठीक है, कंप्लीट होगा बेटा। ये एज अ कंप्लीट नंबर है, बड़ा एक बाइनरी नंबर है और उसको हम शिफ्ट राइट कर रहे हैं।
सी क्यू और क्यू क्यू माइनस वन को जीरो जीरो वन, और मैंने क्या बताया था यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, अब बताओ वन। बिल्कुल, तो ये एज इट इज हमारे उठ के यहाँ पर कॉपी होके आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास AC ये हो गया, Q मेरा ये बदल गया और Q माइनस वन मेरा ये हो गया, और ये होने के बाद मेरी पहली साइकिल खत्म। दिस इज माय फर्स्ट साइकिल, क्लियर? इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट यार काम करते हैं, इसी पार्ट को मैं यहीं पर रोकता हूँ, राइट? हम इसी से आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हमारे पास 12:50 पे बेटा सब ज्वाइन हो जाना, अगर एक भी एब्सेंट हुआ तो नुकसान तुम्हारा है, मेरा नुकसान नहीं है। मेरी इंजीनियरिंग होगी, एमटेक होगी, सब कुछ होगी, प्लेसमेंट भी होगी, तुम्हारी बची है। तो अपने पेरेंट्स को बोलो कि जल्द से जल्द खाना वाना खिला के तुम्हें टुबरट पूरा ठूस के अच्छे से और तुम्हें यहाँ पर 12:50 पे बिठा दें, ठीक है? तो मैं लेक्चर अभी ऐड कर रहा हूँ और आप लोगों को मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ अटेंडेंस के लिए, राइट? तो आपके चैट विंडो में दे रहा हूं, मैं लिंक दे रहा हूं। मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया बेटा, अटेंडेंस लिंक। करिए मार्क, करिए, सबको दिख रहा है? किसको नहीं मिला? सबको मिल गया? हेलो हेलो हेलो, हाँ बेटा राघवेंद्र, क्या हुआ बेटा? आपको भी दे दिया राघवेंद्र? तुम झूठी बोल, तुम्हें पता है या भगवान जो बच्चन वाले, बच्चन वाले बेटा मार्क करो अटेंडेंस, उसमें जाकर लिंक दे दिया मैंने आपको, यहाँ नहीं लिखना। माफ करो अटेंडेंस बेटा, जल्दी मैंने लिंक दे दिया मैंने आपको। लेट मी चेक फर्स्ट के कितने लोगों ने कर लिया। वेरी गुड, ओके बच्चों, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, इससे करेंगे तो पैर में बैठा सब लोग आ जाना, नहीं आओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। ओके सर, बोल देंगे। बिल्कुल, अपना रोल नंबर कंप्लीट लिखो, मैं कहूँ कि कंप्लीट कर रहा हूँ, देखो रोल नंबर्स। ठीक है बेटा, मैं लेक्चर बंद कर रहा हूँ, अटेंडेंस का भी विंडो ओपन है, आप लोग अटेंडेंस मार्क करें। मैं एक 12:15 पे अटेंडेंस खत्म कर बंद कर दूंगा, ठीक है? 12:15 पे ये अटेंडेंस मॉर्निंग की मैं बंद कर दूंगा, रिस्पॉन्सेज नहीं आएंगे तब तक आप मार्क कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अभी लेक्चर बंद करता हूँ, ठीक है? ओके सर।